हाय एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन को देखेंगे। पार्ट वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। तो ये पेन डाउन कर लें, पार्ट वन कर रहे हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने पहले प्रीएम्बल किया था, अब पार्ट वन कर रहे हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है। तो अब मैप देखें इंडिया का। तो अभी ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का ही मैप है। पहले कहाँ ये पूरी की पूरी एक टेरिटरी एक साथ होती थी, जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता था, पर अब ये नहीं लिखा जाता। अब दोनों को अलग से लिखा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्टेटस दे रखा था, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दे रखा था, पर अब वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा। अब टोटल 29 स्टेट्स होती थी पहले, पर अब टोटल स्टेट्स जो हैं 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। पहले कितनी स्टेट्स थी? 29, पर अब कितनी स्टेट्स हो चुकी हैं? 28। अब यूनियन टेरिटरीज कितनी हो चुकी हैं? 9, पहले कितनी थी? 7। तो आपको वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज का नाम याद रखना है। तो अभी दो यूनियन टेरिटरीज जो हमारे पास आई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेचर होगा, पर लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो इन्होंने ये भी हमें बताया। उसके बाद आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 370 अब ख़त्म हो चुका है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए आर्टिकल 370 को रखा था। इसी तरीके से हमने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को भी हम कुछ टाइम पीरियड के लिए यूनियन टेरिटरी में रखेंगे, पर हम अभी ये नहीं कह सकते कुछ टाइम कितना। स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का भी अभी आप देखते हैं कि कितने सालों से चलता आ रहा था। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी कब तक रहेगा, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो आर्टिकल 1 डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो डिस्प्यूट हुआ कि हम इंडिया रखें नाम या भारत रखें। तो आर्टिकल 1 ने बोला नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन में क्या रखें। तो जो हमारे लोग थे उधर, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा हम इंडिया भी रख लेते हैं, भारत भी रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में क्या होता है, काफ़ी सारी स्टेट एग्रीमेंट करती हैं और एक साथ यूनाइट हो रखी हैं, उनका एग्रीमेंट हो रखा है। पर हमारे इंडिया में एग्रीमेंट हो रखा है? पंजाब ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया? हमारा एक यूनियन है स्टेट्स का, हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो एक साथ हैं, उसको मिलके हमारा एक भारत बनता है, इंडिया बनता है। तो अगर कल को पंजाब कहता है कि मुझे इंडिया से अलग होना है, क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का ही पार्ट है। कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रखा। अगर एग्रीमेंट हो रखा होता तो शायद पंजाब अलग होता, जो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा होता। तो आर्टिकल 1 क्या बोल रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारा, और कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट सॉरी, अपने आप को अलग नहीं कर सकता। और अब हमारी टोटल टेरिटरीज कितनी है? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9। एक हमारी होती है एक्वायर टेरिटरीज, जो एक्वायर की जाती हैं। एक्वायर का मतलब क्या? कब्जा किया जाता है। तो जो एक्वायर टेरिटरी हमारी कोई भी नहीं है, पहले हम एक्वायर कर चुके हैं तो वो इंडिया का पार्ट ही बन चुका है, तो इसलिए उसका हम 0 लिखते हैं। पर हमारी टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स कितनी है? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी? 9। उसके बाद देखते हैं जो हमारा स्टेट्स और टेरिटरीज को स्पेसिफाई कर रखा है, वो फर्स्ट स्केड्यूल में बता रखा है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 है,
प्लस स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज वहाँ में किस में स्पेसिफाई कर रखी हैं, फर्स्ट स्केड्यूल में स्पेसिफाई कर रखी हैं। अब हम आर्टिकल टू को देखते हैं। आर्टिकल टू क्या है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कल को हमने कहा कि हम पाकिस्तान को एक्वायर करके उसके उसको एक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो कौन से आर्टिकल में बना देंगे? आर्टिकल टू में बना देंगे। आर्टिकल टू में हम, जैसे हमने कोई भी पाकिस्तान का एरिया इंडिया ने एक्वायर कर लिया, हमने एक्वायर कर लिया, तो उसको स्टेट बनाना है, तो हम आर्टिकल टू में स्टेट बना देंगे। उसके बाद हम आर्टिकल थ्री को देखते हैं। आर्टिकल थ्री मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बताया है, आर्टिकल थ्री डील कर रहा है फॉर्म न्यू स्टेट्स। अगर कोई हमने न्यू स्टेट को फॉर्म करना है या फिर किसी स्टेट को यूनाइट करना है, एक साथ करना है, या किसी को एरिया को इंक्रीज़ करना है या फिर कम करना है या फिर उसका नाम चेंज करना है, जैसे हमने पंजाब से और पार्ट निकाल के एक दूसरा पार्ट बनाना है, मतलब दूसरा स्टेट बनाना है, तो वो हम आर्टिकल थ्री के अंडर बना लेंगे। प्लस पंजाब और यूपी को हमने एक करना है, यूनाइट करना है, हम इसके अंडर लेके आएंगे। अगर हमने कोई भी एरिया कम ज़्यादा करना है, ये भी हम इसी के अंडर लेके आएंगे। अगर हमने कोई नाम चेंज करना है, तो वो भी हम आर्टिकल थ्री के अंडर लेके आएंगे। तो अगर आप देखते हो ये सारे के सारे इन्होंने यही चीज़ें बता रखी हैं इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल थ्री है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये हमें आर्टिकल थ्री बताता है, पर इसका प्रोसीजर अलग है। अलग प्रोसीजर अलग किस चीज़ का? इसको अमेंड करने का, इसका बिल बनाने का, इसको लॉ बनाने का। हम हमेशा बात करते आते हैं कि पहले हम लोकसभा में जाएंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट से असेंट ले लेंगे, तो हमारा एक बिल बन जाएगा। तो जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, आर्टिकल 368 की बात करते हैं, आर्टिकल 368 की बात करते हैं, जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट डील करता है आर्टिकल 368 से। आप ये पेन डाउन करते रहें साथ साथ। तो इसका क्या तरीका है? अगर आपको नाम चेंज करना है, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, हमने नाम चेंज करना है, पंजाब का नाम हमने कुछ और रखना है, तो पहले लोकसभा में नहीं जाएगा। अमरेंद्र सिंह ने बोला नरेंद्र मोदी जी को कि सर हमें नाम चेंज करना है। मोदी जी ने कहा ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पहले प्रेसिडेंट देखेगा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, मतलब कि पंजाब का नाम चेंज करना है तो पंजाब में ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में बिल इंट्रोड्यूस होगा, बिल इन द सेंस कि नाम चेंज करना है, वो इंट्रोड्यूस होगा। तो इसमें बिल में सपोज करो किसी ने कहा कि नहीं नहीं पंजाब का जो आपने नाम रखा है वो नाम ठीक नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात मानेगा या नहीं मानेगा प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है। ये तो जस्ट एक स्टेट लेजिस्लेचर में जाना एक फॉर्मेलिटी है। तो उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर से जाने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बनेगा, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गया है पास होने के लिए, वो पास कैसे होगा? बाय सिंपल मेजोरिटी होगा। अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें, आर्टिकल 368 में हमेशा बोला जाता है कि हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास किया जाता है, पर इसमें जो बिल पास किया जा रहा है बाय सिंपल मेजोरिटी पास किया जा रहा है, याद रखना ये बात, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। ये हमें आर्टिकल 4 बताता है। आर्टिकल 4 की मैं लास्ट लाइन बताऊंगा आपको, नो सच लॉ एज अ फोर सेड
शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। कहते कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, मतलब वो स्पेशल मेजोरिटी में नहीं, सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हो। फोर सेट कौन सा था ये क्लोज हमारा आर्टिकल 4 क्लोज 1 क्या बता रहा है? आर्टिकल 2 एंड 3, जो आर्टिकल 2 एंड 3 हमने किया, शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। हमने देखा फर्स्ट शेड्यूल में हमें दे रखा है, फोर्थ शेड्यूल में हमें टेरिटरीज के बारे में दे रखा है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड मे आल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन्स इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और स्टेट अफेक्टेड बाई सच लॉज एज पार्लियामेंट मे डीम नेसेसरी। तो इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न है तो किस तरीके से ये पास होगा, किस तरीके से ये बिल बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा आर्टिकल 3 को अगर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनेगा, वो कैसे बन रहा है, बाय सिंपल मेजोरिटी, किसके द्वारा पास किया जा रहा है, कैसे पास किया जा रहा है, बाय सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जा रहा है। और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मना कर देता है प्रेसिडेंट को कि नहीं हमने ये नाम नहीं रखना, तो इसमें प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है, वो नाम रखे ना रखे वो पूरी की पूरी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन रहेगी। तो ये था हमारा पार्ट वन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है। और याद रखना पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होल इंडिया में अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल इंडिया में अप्लाई होता है क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं रहा अगर हम बात करें। थैंक यू सो मच, ये हमारा पार्ट वन था, तो नेक्स्ट हम पार्ट टू को देखेंगे। थैंक यू।